पास एग्जांपल नंबर 7 है, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए ए डैश एंड ए डैश ए आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, पहले इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसको पहले निकाल लो। दिया क्या है, ए ए डैश दिया है। ठीक है, अब करते क्या है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन का रूल लगेगा, कि क्या होगा, आगे पीछे हो जाएंगे। तो पहले क्या आएगा, ए डैश जो दिया है, ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज जो दिया है उसका ट्रांसपोज आएगा। फिर क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा। ये हो गया। अब देखो यार, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ए डैश का डैश, मतलब क्या, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हमने पिछले क्लास में प्रूव किया था ये किसके बराबर आता है, वो ए के बराबर आता है, ए और साथ में क्या है, ए डैश। अब देखो हमने क्या लिया, ए ए डैश का ट्रांसपोज लिया। ठीक है, ये जो दिया है इसको एक टाइम के लिए थीटा मान लो। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, थीटा का ट्रांसपोज लिया, तो हमको क्या मिला, थीटा मिला। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि ये इसके बराबर आ रहा है, मतलब जो आपका ए ए डैश है वो कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और फिर उसमें सेकेंड क्या पूछा है कि ए डैश ए, ठीक है, तो उसको निकाल लो, ए डैश है साथ में ए, अब इसका ट्रांसपोज लो। ठीक है, तो ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, ऑर्डर चेंज होगा, पहले ये आएगा तो ए का डैश मतलब ए का ट्रांसपोज, फिर ये आएगा तो ए ट्रांसपोज तो पहले से था और फिर एक और ट्रांसपोज आ गया, तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो ये तो ए हो गया और ये तो ए डैश पहले से ही है। तो इस बार भी देखो क्या हुआ, ए डैश ए का हमने ट्रांसपोज लिया तो वो किसके बराबर आ गया, ए डैश ए के बराबर आ गया। मतलब ये भी क्या कर रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ दोनों केसेस से हम क्या बोल सकते हैं कि ये और ये कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं।